हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। ये बात तो बताने की जरूरत नहीं कि आज के दौर में किसी भी चीज के बारे में पता लगाने के लिए इंटरनेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर है। तभी तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, गूगल अपने यूजर्स को सर्च पे रिलेटेड रिजल्ट्स जरूर दिखाता है, और 95% रिजल्ट्स जो गूगल दिखाता है वो एक्यूरेट होते हैं। दैट्स व्हाई यूजर्स का ट्रस्ट गूगल पे बहुत ज्यादा है। बट क्वेश्चन इज कि गूगल खुद एक वेबसाइट है, मगर मिलियन वेबसाइट का डाटा अपनी वेबसाइट में स्टोर कैसे करता है और एक्यूरेट रिजल्ट किस तरह दिखाता है? लेट मी एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। जब भी हमें कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करना हो तो हम सबसे पहले बिना वक्त जाया किए गूगल का सहारा लेते हैं। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स हैं वो तमाम गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एक वेबसाइट बनाऊं और गूगल पे सर्च करने से 1 से 2 स्टार्टिंग डेज में सर्च पे शो नहीं होगी वो वेबसाइट। रीजन बिहाइंड इज कि गूगल में वेबसाइट को इंडेक्स करने का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वेबसाइट गूगल के सर्च पे शो नहीं होगी। गूगल के चंद रोबोट्स ऐसे हैं जो हर वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये रोबोट्स जितनी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, इनको अपने डेटाबेस में लाने के लिए वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं, और फिर इन वेबसाइट्स को स्टोर करने के बाद रिलेटेड रिजल्ट्स में रेलिवेंट वेबसाइट को दिखाते हैं। गूगल के पास अलग अलग सर्चेस पे अलग अलग रिजल्ट्स किस तरह सामने आ जाते हैं? विद इन सेकंड। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपका इस वीडियो देखने का पर्पस आपको हासिल हो जाएगा। गूगल पे जब भी कोई वेबसाइट अपलोड की जाती है तो इसके स्पाइडर्स, जिनको के हम आसान अल्फाज में रोबोट्स बोल सकते हैं, ये रोबोट्स वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, और सबसे पहले वेबसाइट में बनी रोबोट txt फाइल को चेक किया जाता है। अगर वेब डेवलपर ने इस फाइल में अलाउ लिखा है, गूगल के रोबोट्स आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर वेब डेवलपर ने डिसअलाउ किया है, देन रोबोट्स आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे। और अगर गूगल के रोबोट वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे तो गूगल ये नहीं जान सकेगा कि आपकी वेबसाइट किस इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट के रिलेटेड है, और इस तरह वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स भी नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपने गूगल के रोबोट्स को अलाउ किया है, देन हाउ टू इंडेक्स। गूगल के रोबोट्स जब वेबसाइट्स पे जाते हैं तो जो रूल्स एंड एल्गोरिदम्स गूगल ने एक वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए लाजमी करार दिए हैं, इन पॉइंट्स को चेक किया जाता है। एक वेबसाइट से निकलने वाले तमाम लिंक्स को गूगल फॉलो करता है, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट जितनी वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, इन वेबसाइट्स में एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करता हुआ मजीद वेबसाइट्स तक पहुंचता है। इसी तरह वेबसाइट्स क्रॉल होती जाती हैं और इंडेक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है। इसी तरह से जब कोई अपनी वेबसाइट को अपडेट करता है तो ये रोबोट्स दोबारा वेबसाइट को विजिट करता है, और जितनी इंफॉर्मेशन अपडेट की होती है वो तमाम गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स हो जाती है। अब ये हुआ गूगल का बैकएंड किस तरह से वर्क करता है। अब हम ह्यूमन बीइंग यानी यूजर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कीवर्ड SEO ट्रेनिंग इन सियालकोट या फिर ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग इन सियालकोट गूगल पे सर्च करते हैं। अब ये कीवर्ड जिस भी वेबसाइट के टाइटल में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, इवन URL में होगा, तो गूगल इन तमाम वेबसाइट्स को अपने ह्यूज डेटाबेस से अलग कर लेगा और 500 किस्म के क्वेश्चंस पूछेगा, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि इन हजारों वेबसाइट्स में जिन वेबसाइट्स पे ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO की मुकम्मल व्हाइट हैट SEO टेक्निक्स अप्लाई हुई होंगी, इन तमाम वेबसाइट्स को मैनेज करेगा और SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमें वेबसाइट दिखा देगा। ये तमाम व्हाइट हैट SEO टेक्निक्स हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे। इसके साथ ही साथ गूगल के रोबोट्स आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट की एज, वेबसाइट का बाउंस रेट और बहुत कुछ चेक करते हैं। तमाम बातें नोट करने के बाद गूगल सीक्वेंस में वेबसाइट्स को मैनेज करेगा कि किस वेबसाइट को फर्स्ट पे लेके आना है और सेकंड पे किस वेबसाइट को लाना है एंड थर्ड पे किस वेबसाइट को शो करना है। इस हिसाब से गूगल अपने टॉप 10 रिजल्ट्स निकाल लेगा। वेबसाइट की रैंकिंग हमेशा स्टक नहीं रहती, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रैंकिंग चेंज होती रहती है। बहुत सी चीजों को नोट किया जाता है गूगल रैंकिंग के लिए, जैसे कि वेबसाइट की ट्रैफिक, वेबसाइट किस तरह से गूगल के एल्गोरिथम को परफॉर्म कर रही है, वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज कितने परसेंट ऑप्टिमाइज्ड है, जिस पेज को रैंक करवाना चाहते हैं आप, इस पेज पे कीवर्ड करेक्ट प्लेस पे करेक्ट डेंसिटी के साथ लिखा गया है,
टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग्स, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स गूगल एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली लगाए गए हैं। गूगल पे कुछ भी लिखकर सर्च करें और सब वेबसाइट्स को छोड़कर किसी एक वेबसाइट को विजिट करें और हर यूजर सेम कीवर्ड से सेम वेबसाइट पर जाए तो वो वेबसाइट चंद ही दिनों में ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये भी एक गूगल का रैंकिंग फैक्टर है, क्योंकि इससे गूगल को लगता है कि यूजर के लिए ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है और इस वेबसाइट का कंटेंट यूजर्स को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने अपनी वेबसाइट पे तमाम ऑन पेज वर्किंग मुकम्मल की होगी। गूगल के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा डाटा मौजूद है, वेबसाइट का डाटा, गूगल ड्राइव या गूगल शीट का डाटा, लोकेशन या गूगल मैप का डाटा, हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारा किस प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट है, हमारी कंप्लीट प्रोफाइल गूगल के रिकॉर्ड में है। यानी गूगल ने हमारी तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है और इसी के मुताबिक वो हमें रिजल्ट्स दिखाता है। गूगल ने अपना ट्रस्ट इतना बना लिया है कि आज हम गूगल के अकॉर्डिंगली स्टेप ले रहे हैं और गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए अपना कोई भी काम जो इंटरनेट बेस्ड है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप इस छोटी सी बट डिटेल वीडियो में आपको अपने बहुत से क्वेश्चंस का जवाब मिला होगा और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।